Assalamu alaikum students, as I told you that I will share the translation and explanation of this chapter. So let's see that what is this chapter about. Okay, the last sermon of the Holy Prophet. The last sermon of the Holy Prophet means आखिरी खुतबा. सरमन कहते हैं खुतबे को. तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था, इस चैप्टर में हम उस खुतबे के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक, फर्स्ट पैरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया हुआ है, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम हैं. वो 571 मक्का में पैदा हुए. वो एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली, जो कुरैश की मुअज़्ज़ज़ फैमिली थी, कुरैश कबीला था, कुरैश की मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों से आखिरी पैगंबर हैं. कुरैश जो है उस ज़माने में बुतों की पूजा किया करते थे. बुतों की पूजा, बुतों किसे कहते हैं, आइडल्स को कहते हैं, और वर्शिप कहते हैं इबादत को. बुतों की इबादत किया करते थे या पूजा किया करते थे, और एक खुदा पे ईमान नहीं रखते थे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो उन्होंने कुरैश से कहा, उनको रिक्वेस्ट की, उनको बोला कि भाई आप जो हैं वो गैर खुदा की, फॉल्स गॉड कहते हैं, जो खुदा हो ही ना हकीकत में, गैर खुदा की इबादत ना करें, एक अल्लाह को माने. मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और आप एक और सिर्फ एक खुदा की इबादत करें. लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. उनको लगता था कि अगर वो उस इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर चलेंगे या इस्लाम को फॉलो करेंगे तो वो अपने जो उनका रिलीजन है वो वहाँ से दूर हो जाएंगे. देन उनको ये भी लगता था कि वो अगर इस पे चलें तो वो अपने आबाओ अजदाद, एंसेस्टर्स कहते हैं आबाओ अजदाद, अपने आबाओ अजदाद का जो दीन है उसकी मुखालफत कर, तो वो अपोज्ड हो गए थे. अपोज्ड दिस न्यू फेथ, अपोज्ड मतलब बोलते मुखालिफ हो जाना, तो वो मुखालिफ हो गए थे इस नए दीन के, इस नए फेथ के. और जो है वो बहुत बुरे मुखालिफ हुए थे. उन्होंने तरह तरह का जुल्म शुरू कर दिया था. एगाने कहते हैं बहुत सख्त तरीन या शदीद तरीन उन्होंने दुख देना शुरू कर दिए थे, और उन्होंने बहुत परेशानी दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को. अपोजिशन, इस्लाम की मुखालफत इतनी सख्त हो गई थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप हिजरत मक्का से मदीना हिजरत कर लें. तो उन्होंने 622 में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के साथ, जो उनके बहुत वफ़ादार दोस्त थे, उनके साथ हिजरत कर ली मदीना में. और ये इवेंट जो हिजरत का इवेंट है मक्का से मदीना में, वो कहलाता है आपका हिजरा. अच्छा, फिर जब वो हिजरत करके मदीना चले गए तो मदीने में उन्होंने इस्लामिक बुनियादों पर एक इस्लामिक सोसाइटी या इस्लामी मुआशरे का क़याम किया, जो कि तीन उसूलों पर बेस था. ठीक है, प्रिंसिपल्स कहते हैं उसूल को, जिसमें पहला उसूल या पहली बुनियाद उसकी क्या थी कि तमाम ताकत जो है वो अल्लाह से ताल्लुक़ रखती है. मतलब तमाम ताकत इस कायनात में जो सबसे ज़्यादा ताकत है वो अल्लाह ताला के पास है. मोहम्मद पीस भी अपॉन है उनके अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. ही रेज्ड वुमेन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ चैटल टू कम्प्लीट लीगल इक्वालिटी विद मैन. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो औरतें थीं उस वक्त की, जिनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती थी, बहुत बुरा समझा जाता था, बेटियां पैदा होती थी तो ज़िंदा दफना दिया जाता था, उनको उन्होंने उभारा, उनको ऊपर लेकर आए, उनको हक़ दिलाया जो इस्लाम में है, उनको माशरे में इज़्ज़त दिलाई. ही मेड पीपल टू लिव विद फेथ, सिंसियरिटी, ऑनेस्ट डीलिंग. उन्होंने लोगों को बताया कि वो किस तरीके से अपना ईमान के साथ रहें उस सोसाइटी में, किस तरह वो ईमानदारी से काम करें, किस तरह वो मामलात बसूबी ईमानदारी से तय करें. और ज़िंदगी में पूरे वक्त में पहली बार ऐसी तारीख रकम हुई थी जिसमें जो है
उन्होंने तारीख रखी थी, तारीख रकम हो गई थी जिसमें भाईचारे को, क्योंकि पहले ज़माने में भाईचारे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो भाईचारा बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्ट बन के सामने आया था कि अगर भाईचारे से रहें तो आप दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकते, और ये एक हकीकत थी जिसको लोगों ने तस्लीम किया था। ठीक इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम कामों की तायद और रहनुमाई कुरान मजीद से की थी। ठीक है, मतलब ये तमाम काम जो उन्होंने किए थे इसका सारा खुलासा जो है वो कुरान मजीद में है, और इसी से उनको पता चलता था कि उनको ये काम अब करना है। ठीक है, अच्छा, इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के 10वें साल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फॉलोअर्स को या उन लोगों को जो उनको फॉलो करते थे वो मक्का लेकर गए हज अदा करने के लिए, और उस मकाम पे उन्होंने जबल अराफात पे, माउंट अराफात के थे, जबल अराफात पहाड़ का नाम है ये, उसमें खड़े होकर, उस पर खड़े होकर खुतबा दिया था। उनका लास्ट मैसेज जो था, जो हर हज पे जो है वो इमाम काबा जो है वो देते हैं, उन्होंने खुतबा दिया था, और उस खुतबे में उन्होंने मुसलमानों को जमा करके मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा पैगाम दिया था। और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, यू नो व्हाट दे सेड इन देयर हिस्टोरिक ओकेजन, तो उन्होंने उस तारीख़ी खुतबे में जो बातें कही थी, जो मुसलमानों को उन्होंने मुखातिब करके कहा था, वो क्या था कि कोई खुदा नहीं है अल्लाह के अलावा एक्सेप्ट अल्लाह, वही है जो एक खुदा है, कोई भी शख्स अल्लाह ताला की पावर या उनकी अथॉरिटी नहीं शेयर कर सकता या कोई शेयर नहीं कर सकता, अल्लाह ताला अकेला है, सारा निज़ाम वो खुद चलाता है, कोई उसका शरीक नहीं है, वो अपने प्रॉमिसेस जो हैं वो वादे जो हैं वो पूरा करता है, और अपने जो नबी हैं या जो पैगंबर हैं उनकी मदद करता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इविल, इविल कहते हैं शैतानों या बुराई से, तो अपने पैगंबरों की मदद करता है बुराई से, ठीक है, बुरी ताकतों से। ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, शायद हमें आज के बाद इस इज्तिमा में मिलने का मौका ना मिले, मतलब उन्होंने कहा था कि शायद इसके बाद, आज के बाद हम दोबारा शायद इधर ना मिलें। और कुरान पाक की का जो एक आयत है, उन्होंने उस आयत का तर्जुमा किया था और हवाला दिया था कि उन्होंने फरमाया था, अल्लाह ताला फरमाता है, इंसानों हमने तुम्हें एक नर और मादा से पैदा किया, नर कहते हैं मेल को और मादा कहते हैं फीमेल को, पैदा किया और तुम्हारे कबीले और कौमें बना दी ताकि तुम्हारी एक दूसरे से पहचान की जा सके, और अल्लाह की नज़र में तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वही है जो ज़्यादा मुत्तकी है, मुत्तकी कहते हैं जो इबादत करने वाला हो, जो अच्छा इंसान हो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब है वही वही होगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेगा, अल्लाह ताला के करीब रहेगा, लोगों को तंग नहीं करेगा, सारी उसमें अच्छी बातें। इन आयत की रोशनी में, मतलब उन्होंने जो भी बताया, उन्होंने ये कहा कि इस बात की रोशनी में, इस आयत की रोशनी में कोई भी अरब जो है, क्योंकि वहाँ पे अरबी लोग होते थे, तो कोई भी अरब जो है वो ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर मतलब आला नहीं है उस शख्स से जो नॉन अरब हो या जो अरब से ताल्लुक़ ना रखता हो, और ना जो है वो कोई गोरा जो है वो सब काले से बेहतर है, ठीक है, जो हमारे यहाँ चलते हैं ना काला गोरा, तो अल्लाह ताला ने ये सारी जो बातें वो उनको हिदायत की कि ये मुसलमानों तक पहुँचाएँ कि किसी गोरे को काले पे फजीलत नहीं, किसी अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं, ठीक है, सिर्फ अच्छाइयाँ जो हैं इंसान की, जो उसकी इबादतें हैं वही उसको दूसरों से अफजल बनाती हैं। तमाम आदम की औलादें हैं, तमाम इंसान आदम की औलादें हैं, और आदम को जो है वो मिट्टी से बनाया गया था, मिट्टी किसे, सॉरी, सब आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था, ठीक है, इसलिए मैं इन तमाम झूठे दावों को जिनके मुताबिक बढ़ाई और बढ़तरी का मायार खून या दौलत पर हो, अपने पांव तले रूंढता हूँ, मतलब उसको डिसएग्री उससे करता हूँ। ठीक, उन्होंने फिर और फरमाया कि ए लोगों, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ठीक है, और तमाम मुसलमान जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं, सही, अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था, ठीक है, इसलिए मैं इन तमाम झूठे दावों को जिनके मुताबिक बढ़ाई और बढ़तरी का मायार खून या दौलत पर हो, अपने पांव तले रूंढता हूँ, मतलब उसको डिसएग्री उससे करता हूँ। ठीक, उन्होंने फिर और फरमाया कि ए लोगों, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ठीक है, और तमाम मुसलमान जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं,
सही। अच्छा लास्ट में उन्होंने क्या कहा था, फाइनली ही सेड, लास्ट में उन्होंने क्या कहा था कि मैं तुम्हें जो वो मैसेज अल्लाह का पहुंचा दिया है मैंने, अब जो है मैं एक चीज़ जो है वो छोड़े जा रहा हूँ, लिविंग अमंग यू, तुम लोगों के दरमियान, विच विल गाइड यू, जो कि तुम्हें गाइड करेगी, तुम लोगों की रहनुमाई करेगी, अगर तुम लोग उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी भी भटकोगे नहीं या कभी भी जो है गलत राह पे नहीं जा सकोगे। और वो क्या है, वो होली बुक ऑफ अल्लाह है जो कुरान मजीद है, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब। तो फिर आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अब क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है, ही इज़ नॉट मोर विद अस, तो हमारे पास उन वो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुरान पाक है, होली कुरान है जो कि हमें हिदायत के तौर पे दी गई है। तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, उसकी तिलावत करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए तर्जुमे के साथ, वो समझना चाहिए कि वो हमें आखिर कह क्या रही है। और अगर हम इसको हैबिट बना लेंगे, इसको आदत बना लेंगे कि हम ना सिर्फ वो पढ़ें समझें बल्कि जो बातें उसमें की हुई हैं उस पर अमल भी करें, उसमें जो बताया हुआ है उस पर अमल भी करें, तो हम जो बहुत जल्द जो हैं वो तमाम जो ग्रेटनेस है, तमाम जो अजमत है जो दुनिया में हमें चाहिए, जो आखिरत में हमें चाहिए, वो सब जो है हासिल कर लेंगे। अजीब कहते हैं हासिल करें, तो वो सब हम हासिल कर लेंगे। होपफुली ये हाफ हाफ सी जो छोटी छोटी वीडियोस बनी थी, होपफुली ये आपको समझ में आ जाए। समरी मैंने आपको बता दी है, इससे रिलेटेड जो थोड़ा बहुत काम होगा वो मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो इसके मुश्किल वर्ड्स हैं या जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स, तो आपके लिए आसान हो जाएगा और समझना, और नेक्स्ट टाइम उन प्रोनाउंसिएशन को देखना और उन रीडिंग्स को, ये जो वो जो वर्ड्स हैं उनकी ट्रांसलेशन आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको वो बता दूंगी और फिर आपको एक वर्कशीट सेंड कर दूंगी और आपको काम बता दूंगी कि आपको इससे रिलेटेड काम है। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो, कुछ भी मसला हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप वो जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं और मैं